विस्तार न्यूज के रिपोर्टर से दर्द बताया तो कलेक्टर ने संज्ञान लिया। चलिए आपको मैं बता देता हूं कि विस्तार न्यूज के रिपोर्टर ने अगर लोगों का दर्द जाना है तो कलेक्टर तक भी पहुंचा है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से हमारे सहयोगी विवेक डांगी ने एक तस्वीर भेजी है। तस्वीर क्या है ये वीडियो देखिए, कैसे सीढ़ियों पर बैठे एक बुजुर्ग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर परेशान हो जाता हूं। सिस्टम के आगे बेबस इन लोगों को देखकर गुस्सा आता है। इस तरह की तस्वीर देखकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, हमारी टैगलाइन है, आगे नहीं बढ़ा, वहीं रुक गया। मेरे सहयोगी वहीं रुक गए निवाड़ी में। विस्तार न्यूज की टीम ने जब 70 साल के बाबा को रोते बिलखते हुए देखा तो पता चला कि बाबा न्याय के लिए सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर क्या था, विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी ने बाबा की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और दूसरी तस्वीर देखी, जो 70 साल का बुजुर्ग शख्स सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था, वो अब डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी के सामने बैठा है। आपका अपना चैनल है, बस इसीलिए कहता हूँ इमोशनल चैनल है। अगर आप परेशान होंगे तो फिर विस्तार न्यूज की टीम परेशान होगी। अब मामला क्या है विस्तार से बता देते हैं। चलिए सब कुछ जान लीजिए। तस्वीरों में दिख रहे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम मुलायम पाल है, उम्र 70 साल है। मुलायम पाल हाथ में थैला लिए कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे थे। पिता की मौत के बाद इनके भाइयों ने इनसे जमीन छीन ली। इंसाफ की आस में ये 16 साल से कलेक्टर ऑफिस आ रहे थे। कितने साल से? 16 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगे और किस्मत को कोसने लगे कि कौन सा पाप हुआ था मुझसे। सोचिए 16 साल से कोई आदमी भटक रहा है, कोई इंसान भटक रहा है, क्या ही सिस्टम है, क्या ही सिस्टम है। इन्हें नहीं रोना चाहिए, 70 साल के इस बुजुर्ग को नहीं रोना चाहिए, सिस्टम को रोना चाहिए, सिस्टम को रोना चाहिए। एक बार वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को देखकर भी सरकारी अमले, सरकारी अफसर, अगर उनका दिल नहीं पसीजता है तो ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा देने वाली तस्वीर है। देखिए हो सकता है इस वीडियो को देखकर सिस्टम जागे और इनको न्याय मिले। दिखाइए। कंट्रोल को खा रहे हैं, बाबा बनी से भंडारण में खा रहे हैं और हम सिर्फ सूर की सब्जी खा रहे हैं। साहब तरकारी नहीं मिला तो रो मत दादा, रो इतनी परेशानी की काय कराऊं से। इनकी लाचारी, इनकी बेबसी कौन दिखाएगा, इनके आंसुओं को बहने से कौन रोकेगा, बताइए। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। मुलायम पाल जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो सिस्टम की लाचारी के चक्कर काटते काटते थक जाते होंगे, हार मान जाते होंगे। जो उम्र नाती पोते के साथ खेलने की है उस उम्र में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में विस्तार न्यूज मुलायम पाल जी का सहयोगी बना। हमारे सहयोगी विवेक डांगी ने हाथ थाम कर मुलायम पाल को डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस ले गए। डिप्टी कलेक्टर राजेंद्र मिश्रा से बुजुर्ग की समस्या को लेकर चर्चा की, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने तुरंत इस डीएम को एक हफ्ते के अंदर समस्या का निदान करने का आदेश दिया। बस इतना शब्द सुनना था अफसरों से, इसीलिए 16 साल से चक्कर काट रहे थे। अब मुलायम पाल खुश हैं, भरोसा मिल गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये बुजुर्ग दादा एक फटा हुआ ये थैला कलेक्ट्रेट के जीने पे बैठे हैं, अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अब विस्तार न्यूज ये बीड़ा उठा रहा है। दादा सुनाई नहीं रहा है, ये धूप दिख रही होगी, 16 साल से ऐसे फोटो टक रहे हैं। धन्यवाद, आपने मदद करी मेरी बहुत अच्छी। बाबा आपको प्रणाम है, धन्यवाद नहीं चाहिए आपका, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। विवेक डांगी ने अधिकारियों से मिलवाने के बाद खुद बाबा को अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ा। क्या बात है विवेक, शाबाश, बहुत अच्छा विवेक, बहुत बढ़िया। एक हफ्ते में समस्या के निदान का अधिकारियों ने भरोसा दिया है। मुलायम पाल जी के मामले में क्या आगे होगा वो सब अपडेट आपको जरूर बताएंगे।